राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद विक्रमादित्य उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत भीमबेटका की विशाल चट्टाने मानव विकास कालक्रम के जिज्ञासु शोधकर्ताओं को आकर्षित करती रही है। सर्वप्रथम उज्जैनी स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका में मानव सभ्यता के पुरा अवशेषों की खोज की और उन पर शोध किए, जिनके निष्कर्षों से भीमबेटका सबसे प्राचीन मानव रहवास के लिए विश्वविख्यात हो गया था। हाल ही में हुई एक खोज से भीमबेटका को आदि जीव का सबसे पुराना आश्रय स्थल माना जा रहा है। अमेरिका की ओरिगोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ग्रेगरी जे रिटालेक के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटसेन जोहानसबर्ग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने भीमबेटका में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे पुराने जीव डिकिन्सोनिया के जीवाश्म को खोजा है। वे इसे भारत में मिला डिकिन्सोनिया का पहला जीवाश्म बता रहे हैं, जो पृथ्वी का सबसे पुराना लगभग 57 करोड़ साल पुराना प्राणी है। यह जीवाश्म भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा में मिला। शोधकर्ताओं को यह जीवाश्म भांडेर समूह के मेहर बलुआ पत्थर की चट्टान में करीब 11 फीट की ऊंचाई पर दूर से पत्तीनुमा आकार में शैल चित्र की तरह दिखाई दे रहा था। करीब से देखने में यह जीवाश्म सा दिखा। डिकिन्सोनिया के जीवाश्म के बारे में ज्ञात है कि इस जीव की लंबाई 4 फीट से अधिक रही होगी। वहीं भीमबेटका में मिले डिकिन्सोनिया का जीवाश्म 17 इंच लंबा है। डिकिन्सोनिया को लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक सामान्य जीवों और जीवन की शुरुआत के बीच प्रमुख कड़ियों के रूप में जाना जाता है। यह अध्ययन शोध पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित किया गया है, जिसमें शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों के इतिहास का अध्ययन किया है, जिसका संबंध इडियकरण काल से है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की इडियकरा पहाड़ियों के नाम पर इस कालखंड का नाम पड़ा है। पृथ्वी के इतिहास में यह कालखंड 64.5 करोड़ से 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है, जब डिकिन्सोनिया और अन्य बहुकोशिकीय जीव अस्तित्व में थे। इसके पहले डिकिन्सोनिया जीवाश्म रूस और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। अध्ययन में जीवाश्म चट्टानों की आयु का निर्धारण आइसोटोप्स के उपयोग से किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के मेहर बलुआ पत्थर की जिरकॉन डेंटिंग से इसकी उम्र 54.8 करोड़ वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश में इससे पुरानी चट्टाने 97.8 करोड़ वर्ष से 107.3 करोड़ वर्ष की सोन एवं चंबल में पाए जाने वाले चूना पत्थर की चट्टाने हैं। एडियकरण काल कैम्ब्रियन काल का अग्रदूत लगभग 54.1 करोड़ से 485.4 करोड़ वर्ष रहा है, जब पृथ्वी पर विभिन्न जीवन रूपों का विस्फोट देखा गया। अक्षय गाथा। बंधुगढ़ ने 84 वर्ष बाद फिर ऐतिहासिक धरोहरों से दुनिया को चकित कर दिया है। सामान्यतः बांधवगढ़ के नाम से बाघों के लिए प्रसिद्ध
बंधुगढ़ में हाल ही में की गई खोज ने दुनिया की सबसे बड़ी वराह प्रतिमा के दर्शन कराए हैं। 32 पहाड़ियों से घिरा बंधुगढ़ का ये इलाका अपने भीतर आज भी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की तमाम परतें छिपाए बैठा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित इस 1100 वर्ग किलोमीटर के भूभाग का अटूट संबंध भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और सनातन धर्म से है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोजी टीम को यहाँ के 170 वर्ग किलोमीटर इलाके में सनातन धर्म के 2000 वर्ष पुराने कई अवशेष और ऐतिहासिक धरोहरें मिली हैं। वन विभाग की विशेष अनुमति से यहाँ की गई खोज में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे वराह व मत्स्य की बड़ी और अखंडित मूर्तियां और प्राकृतिक गुफाओं में बने शैल चित्र मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली खोज इस क्षेत्र में बौद्ध संरचनाओं के अवशेष हैं। यहाँ एक मन्नाथ स्तूप और एक बौद्ध स्तंभ का टुकड़ा मिला है जिसमें लघु स्तूप की नक्काशी है जो लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की पाई गई। हिंदू राजवंश शासित इस क्षेत्र में बौद्ध संरचनाओं का मिलना धार्मिक सद्भावना का संकेत देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शिवाकांत वाजपेयी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं को बंधुगढ़ में मथुरा और कौशाम्बी के प्राचीन शिलालेख अथवा मुगल काल और जौनपुर सल्तनत के शर्की वंश के सिक्के मिले हैं। दल ने 9 पुराने और 26 नए मंदिर खोजे। इन सभी 35 मंदिरों, प्राचीन गुफाओं, बौद्ध अवशेषों, गणित विषयक सामग्री, मूर्तियां, जल निकाय, भित्ति शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इनके अलावा ब्राह्मी और नागरी जैसे पुरानी लिपियों का भी पता चला है। इसके पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 1938 में पहली बार बांधवगढ़ में पुरा अवशेष खोज निकाले। भारत उत्कर्ष। भारत उत्कर्ष की पिछली श्रृंखला में हमने एकाश्म चट्टान काटकर बनाए गए अभियांत्रिकी की अद्भुत कृति कैलाश मंदिर का साक्षात्कार किया था। ऐसी ही एक कृति मध्य प्रदेश में भी सदियों से विद्यमान है। अपनी सुंदरता, विशालता और उत्कृष्टता के लिए विश्व विख्यात मंदसौर का धर्म राजेश्वर मंदिर और धमनार गुफाओं को 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। धर्मनाथ या धर्म राजेश्वर मंदिर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के समान ही पथरीले पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर खोदकर बनाया गया है। यह शैलोत्कीर्ण मंदिर 8वीं शताब्दी में प्रतिहार राजवंश के काल में बनाया गया था। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप तथा अर्ध मंडप है। यहाँ 7 छोटे मंदिर, एक बड़ा मंदिर और लगभग 200 गुफाएं हैं। यहाँ एक विशाल गुफा भी है जो बताते हैं कि इस मंदिर से सीधे उज्जैन निकलती है जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा बंद रखा गया है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग व उसके आले में चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा है। दूसरे छोटे मंदिरों में वराह, दशावतार, शेषशायी विष्णु और पंच महादेवी आदि की मूर्तियां हैं। मूल रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। बाद में इसे शिव मंदिर में परिवर्तित किया गया। धर्मराजेश्वर मंदिर में भी कैलाश मंदिर की तरह ही एक मुख्य मंदिर और 7 लघु मंदिर हैं। धर्मराजेश्वर उत्तर भारतीय नागर शैली में जबकि कैलाश मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। जब सूर्य की पहली किरण गर्भगृह तक जाती है तब ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर भगवान शिव और विष्णु के दर्शन करने के लिए मंदिर आए हों। यह विश्व का ऐसा अनोखा इकलौता देवालय है जो जमीन के अंदर होते हुए भी सूर्य की किरणों से सराबोर है। श्रुति अनुश्रुति। महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा अपरंपार है। यह सप्तपुरी है, तीर्थ नगरी है। अनेक कथाएं उज्जैनी की शोभा बढ़ाती हैं।
उनमें भी एक लोक मान्यता ऐसी है जिसने उस स्थल को भी तीर्थ शब्द से सुशोभित कर दिया, जहां मनुष्य की सांसारिक यात्रा पूर्ण करने के उपरांत देह की अंतिम परिणीति होती है, चक्रतीर्थ। इस नाम से ऐसा ही आभास होता है जैसे उज्जैन में ही कोई दर्शनीय स्थल है। वास्तविकता में यह विश्राम घाट का नाम है। पुण्य सलील माँ शिप्रा के किनारे स्थित विश्राम घाट का नाम चक्रतीर्थ किए जाने के सूत्र महाभारत काल से संबंधित हैं। महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण का वध अर्जुन के हाथों भगवान कृष्ण की युक्ति से होता है। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान में अपना अंतिम संस्कार पाप मुक्त मनुष्य द्वारा हो ऐसा मांगा। भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। भगवान कृष्ण को ऐसा कोई समझ नहीं आया, परंतु भगवान कृष्ण वरदान की वचनबद्धता से बंध गए थे, इसलिए भगवान ने स्वयं कर्ण का अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण ने पहले माँ गंगा से फिर यमुना से आह्वान किया कि वे अपने घाट पर महारथी कर्ण का अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान दें, लेकिन दोनों ने असमर्थता जताई कि इतने तेजस्वी योद्धा का तप वे सहन नहीं कर पाएंगी, सूख जाएंगी। तब भगवान कृष्ण महाकाल की नगरी उज्जैन आए और यहाँ माँ शिप्रा से आग्रह किया। माँ शिप्रा ने भगवान के अधिकार पूर्वक आग्रह पर सहमति इस शर्त पर दी कि भगवान कृष्ण महारथी योद्धा के देह को भूमि पर रखे बिना अंतिम संस्कार करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र पर कर्ण की देह का अंतिम संस्कार किया। तब से ही माँ शिप्रा के तट पर इस विश्राम घाट को चक्रतीर्थ कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि चक्रतीर्थ पर देह संस्कार करने से सीधे मुक्ति मिलती है और दिवंगत की अस्थियां कहीं विसर्जन करने नहीं जाना पड़ता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश और दुनिया के महानतम गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट पर केंद्रित एक उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञानोदय श्रृंखला में प्रकाशित हुआ है। देश के सुविख्यात गणितज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांडे। उन्होंने ऐसे गंभीर विषयों पर, खास करके भारतीय प्राच्य परंपरा को लेकर, गणित को लेकर, खगोल विज्ञान को लेकर कुछ उपन्यास के अंदाज में गंभीर काम किया है। विलक्षण रूप से प्रतिभाशाली और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भारत की ज्ञान निधि है। आर्यभट्ट के योगदान को पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने और हमारे देश हिंदुस्तान ने भी उसको स्वीकार किया है। डॉक्टर घनश्याम पांडे खुद भी देश के श्रेष्ठ गणितज्ञों में शुमार हैं। अमेरिका, हंगरी और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के रिसर्च फेलो रहे हैं। वो पिछले 6 वर्षों से भारतीय गणित इतिहास परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम पांडे की आर्यभट्ट पुस्तक के अलावा हार्मोनिक एनालिसिस और व्यापकीकृत फलन गणित के इतिहास पर भी उनका शोध कार्य चल रहा है, जो प्रकाशित होने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा महात्मा लगत पर उपन्यास है, वरहम हीर पर है, देश के शीर्ष और सच्चे नायकों को फिर से पहचान कराने और उन्हें प्रतिष्ठित करने का यह जो प्रयास है भारतीय ज्ञानपीठ का भी और डॉक्टर घनश्याम पांडे का भी, ये सराहना के योग्य।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।